मित्रों, साइंस के कक्षा को आगे बढ़ाते हुए मैं अपना एक नया वीडियो अपने यूट्यूब चैनल लेट्स इजी टू लर्न पे डालने जा रहा हूँ। आप सबों से आग्रह होगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि मैं अभ्यास दो का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको पहले सॉल्व करूँगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। क्वेश्चन आंसर में भी पहले बीच का क्वेश्चन आंसर देखेंगे, उसके बाद फिर अभ्यास जो दिया गया है बुक्स में उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा अभ्यास दो है जिसमें कि इसका कि शीर्षक है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इससे पहला अभ्यास जो था अभ्यास एक वो था हमारे आसपास के पदार्थ, और ये है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, यानी कि हमारे पदार्थ की शुद्धता गुणवत्ता क्या है इसके बारे में है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कॉपी में नोट करने का, नोट करके इसको समझने का, ठीक है। चलिए, आप लोग देख रहे होंगे पदार्थ, स्क्रीन पे आप लोगों को देख रहा होगा। पदार्थ में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा नीचे की तरफ देख रहे होंगे रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के कारण ही पदार्थ ठोस, द्रव, गैस और पदार्थ की चौथी अवस्था जो है प्लाज्मा अवस्था है, उसके बाद बोस आइंस्टाइन अवस्था है, ठीक है। पदार्थ की रासायनिक अवस्था के कारण पदार्थ दो प्रकार के हो जाते हैं, एक है शुद्ध पदार्थ, दूसरा है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक होता है, और इस यौगिक में जो है स्थिर अनुपातों का नियम होता है, इसके बारे में ये सब हम लोग देखेंगे आगे। पदार्थ का दूसरा है मिश्रण, मिश्रण में दो प्रकार का होता है, एक समांगी में मिश्रण होता है और दूसरा विसमांगी मिश्रण होता है। इन सब के बारे में आगे हम लोग जो वीडियो बनाएंगे उसमें देखेंगे, ठीक है। अब मिश्रण जो हो गया तो ये दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से जो तत्व बनता है उसको, पदार्थ जो बनता है उसको मिश्रण कहते हैं। मिश्रण को पृथक करने का तरीका है, इसमें कुल 10 तरीका दिया गया है, जैसे वाष्पीकरण हो गया, मिश्रण को किस प्रकार आप जो दो मिश्रण है, दो या दो से अधिक पदार्थों का जो मिश्रण है उसको आप किस प्रकार अलग कीजिएगा, इसमें पहला है वाष्पीकरण, दूसरा अपकेंद्रीकरण, तीसरा पृथककरण, कीप द्वारा जो आप छान के जो अलग करते हैं कीप द्वारा, उर्ध्वपातन आप पढ़े होंगे, क्रोमेटोग्राफी, आसवन विधि, क्रिस्टलीकरण, छानन विधि और चुंबकीय पृथककरण विधि, फटकन विधि, फटक के, ठीक है। इसमें क्रोमेटोग्राफी दो बार दिया गया है इसलिए आप लोग इसको थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक नज़र इस पर देखें। देखिए, अभी आप पढ़े थे कि पदार्थ शुद्ध एक होता है, दूसरा होता है क्या, तो दूसरा मिश्रण हो जाता है। तो देखिए, शुद्ध पदार्थ क्या है विज्ञान के दृष्टिकोण से, शुद्ध मतलब क्या होता है। देखिए, हम लोग बोलते हैं शुद्ध ऐसा कि जिसमें कुछ मिलावट ना हो, बोलचाल की भाषा में। लेकिन देखिए, शुद्ध शुद्ध शब्द का अर्थ होता है पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, परंतु वैज्ञानिक भाषा में सभी वस्तु में विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं, अतः शुद्ध नहीं है। जो भी वस्तु है, जो भी आप वस्तु को अपनी आंखों से देखते हैं, वो सभी पदार्थों के मिश्रण से, दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण से ही मिले हैं। जो एक पदार्थ से बना होगा वो शुद्ध पदार्थ होगा, अतः शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए जल, दूध, वसा इत्यादि, ये सब क्या है, अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। शुद्ध पदार्थ से तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक परिवर्तन प्रकृति के हो, यानी कि उसका रासायनिक प्रकृति जो होगा वो समान रूप से हो। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है, यानी कि उसके रासायनिक प्रकृति समान हो, समान रासायनिक प्रकृति के हो और एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे है, पदार्थ क्या है इसके बारे में फिर से एक बार देखेंगे। एक प्रकार का द्रव है जो कि भौतिक प्रक्रमों द्वारा अन्य प्रकार के द्रव में पृथक नहीं किया जा सकता। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार रिपीट करेंगे, ध्यान से इसको सुनिएगा। पदार्थ एक प्रकार का द्रव्य है जो भौतिक प्रक्रमों द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्य में पृथक नहीं किया जा सकता, यानी कि शुद्ध पदार्थ वह हो गया जो जिसमें कि एक ही प्रकार का तत्व होगा, उसको
किसी भी प्रकार के भौतिक प्रक्रम द्वारा आप उसको अलग पृथक या अलग नहीं कर सकते हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। पदार्थ के बारे में समझ गए, शुद्ध पदार्थ क्या है, उसमें एक ही प्रकार का तत्व होगा, उसको किसी भी प्रकार से पृथककरण नहीं किया जा सकता है। आगे है मिश्रण। मिश्रण क्या है? मिश्रण एक पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों का बना होता है। दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के मिलने से जो पदार्थ बनेगा उसको मिश्रण कहेंगे। उदाहरण के लिए वायु गैस जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प आदि, ये सब क्या है? मिश्रण है। मिश्रण समझ गए, दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के मिलने से जो पदार्थ बनेगा उसको मिश्रण कहेंगे, ठीक है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या है? समांगी मिश्रण वे मिश्रण है जिसमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं और एक दूसरे से अविभेद होते हैं, यानी कि समांगी मिश्रण समान रूप से, यानी कि एक वे मिश्रण जिसमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं, पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिल जाए, ठीक है, तो उसको समांगी मिश्रण कहेंगे, ठीक है। समांगी मिश्रण कहलाते हैं। संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संघटन होता है। उदाहरण के लिए जल में शर्करा, जब आप इसको मिलाइएगा, जल में शर्करा का विलयन कीजिएगा तो ये एक समांगी मिश्रण है। ये जल और शर्करा समान रूप से, यानी कि एक पूर्ण रूपेण वो एक दूसरे से मिल जाएगा। आगे है विसमांगी। समांगी मिश्रण यानी कि जब दो पदार्थ को आप मिलाइएगा और वो दोनों पूर्ण रूपेण मिल जाए तो इसको समांगी मिश्रण कहेंगे, ठीक है। विसमांगी मिश्रण वे मिश्रण जिसमें पदार्थ पृथक रहते हैं और एक पदार्थ छोटे कणों, छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुले के रूप में होते हैं, दूसरे पदार्थ में हर जगह फैला रहता है, विसमांगी मिश्रण कहलाता है। देखिए समांगी को याद रखिए, इसमें से किसी एक को रखिए। समांगी मिश्रण में दो पदार्थ जब आप मिलाइएगा वो पूर्ण रूप से मिल जाएगा, विसमांगी मिश्रण में दो पदार्थ को मिलाइएगा वो पूर्ण रूपेण नहीं मिलेगा, उसको विसमांगी मिश्रण कहेंगे, ठीक है। विसमांगी मिश्रण में उसके पूरे द्रव्यमान में एक साथ संगठन नहीं होता, एक रूप से नहीं होगा। जैसे आप चीनी और शर्करा को मिलाइएगा तो पूर्ण रूपेण मिल जाएगा, लेकिन जब इस दोनों को मिलाइएगा तो वो पूर्ण रूपेण नहीं मिलेगा। एक उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे शक्कर और बालू का रेत, चीनी शक्कर उसको ले लीजिए, बालू के रेत को मिला दीजिए, आप देख कर भी उसको कह सकते हैं कि इसमें शक्कर अलग है और बालू अलग है। तो इस प्रकार के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहा जाएगा, ठीक है। द्रवों के ठोस के निलंबन भी विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है, ठीक है। आगे विलयन। मिश्रण के बारे में पढ़ ली, अब विलयन। विलयन दो प्रकार के होते हैं, मिश्रण भी दो प्रकार के, समांगी और विषमांगी। विलयन भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन जो है वो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। उदाहरण के लिए नींबू जल का, नींबू और जल को आप मिलाइएगा, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण है। किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलेय में बांटा गया है। विलयन का दो भाग होता है, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। विलेय जिसमें जो घुलनशील पदार्थ होता है और विलायक जिसमें कि पदार्थ घुलता है, ठीक है। विलयन का दो भाग होता है, एक होता है विलेय, दूसरा होता है विलायक। विलेय घुलनशील पदार्थ होता है और जो जिसमें जाके मिलता है उसको विलायक कहते हैं, जिसमें पदार्थ घुलेगा, ठीक है। उदाहरण के लिए देखिए शक्कर को याद रखिएगा, चीनी ये हो गया विलेय और जाके किसमें मिलेगा, जल में, जल हो गया विलायक। विलयन के तीन प्रकार हैं, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन, निलंबन, याद रखिएगा इसको। विलयन तीन प्रकार के होते हैं, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन। अब वास्तविक विलयन क्या है उसके बारे में देखिए। देखिए वास्तविक विलयन, एक इसका जो गुण दिया गया है वास्तविक विलयन का,
इसमें है, विलय कण आकार में बहुत छोटे होते हैं। विलय का जो कण होगा वो काफ़ी छोटा होगा, जैसे शर्करा है ना, तो इसका कण इसमें वास्तविक विलयन में कण काफ़ी छोटा होगा। विलय कण नंगी आंखों द्वारा नहीं देखे जा सकते हैं, समांगी विसरण। छानन विधि द्वारा इसके कण को पृथक नहीं कर सकते हैं, पारदर्शी होते हैं। स्थिर विलयन रहने पर कण नीचे नहीं बैठते हैं, यानी कि आप इसको मिलाइएगा तो कुछ देर स्थिर छोड़ने के बाद उसके कण जो है नीचे की तरफ नहीं बैठेगा। टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते हैं। विलयन के कण छन्ना कागज में पार निकल जाते हैं, जब छन्ना पत्र से उसको पृथक करने का एक विधि पढ़े थे आप अभी, तो छन्ना पत्र से जब इसको छानेगा तो ये विलयन इसका जो मिश्रण होगा वो आर विलयन जो होगा वो आर पार निकल जाएगा, उदाहरण के लिए पानी और चीनी का मिश्रण। ठीक है, आगे दूसरा है कोलाइडी विलयन। कोलाइड विलयन के कण का आकार वास्तविक से बड़ा किंतु निलंबन से छोटा होता है, वास्तविक से बड़ा होगा और निलंबन से छोटा हो जाएगा। कणों को नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। समांगी दिखाई देता है परंतु वास्तव में विषमांगी होता है, पृथक नहीं कर सकते हैं, अपारदर्शी होता है, अस्थायी विलयन है। टिंडल प्रभाव दिखाई देता है इस पर। निलंबन के कण को छन्ना कागज से आर पार नहीं निकल सकते हैं, इससे दूध और रक्त को आप जब मिलाइएगा तो इस प्रकार के उदाहरण को क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयन। आप एक चीज़ याद रखिएगा कि उदाहरण नहीं याद हो सकता है तो उदाहरण आप याद कीजिए, उदाहरण याद कीजिएगा तो आप अपने शब्दों में भी उसको डिफाइन कर सकते हैं। आगे है निलंबन। कणों का आकार बड़ा होता है, नंगी आंखों से देखा जा सकता है, विषमांगी मिश्रण है। छानन पत्र द्वारा अलग अलग किया जा सकता है, पारभासी है, अस्थायी विलयन। विलय कण नीचे बैठ जाता है, जब इसको आप कुछ देर तक छोड़िएगा तो विलय का कण जो होगा वो नीचे की ओर बैठ जाएगा। टिंडल प्रभाव दिखाई दोनों अवस्था में होता है, इस पर टिंडल प्रभाव दिखाई भी देगा और नहीं भी दिखाई देगा। कोलाइडी के कण छन्ना कागज से गुजर जाते हैं और इसका उदाहरण है रेत और बालू को जब आप पानी में मिलाइएगा तो ये हो जाएगा आपको इसका उदाहरण। ठीक है, आगे देखिए कोलाइडी विलयन के कुछ सामान्य उदाहरण। यहाँ पर कोलाइडी विलयन का कुछ उदाहरण दिया हुआ है। परिचिक्त प्रवस्था, इसमें विलय है, द्रव विलायक है, गैस, इस दोनों को मिलाइएगा प्रकार हो जाएगा एरोसोल। इसमें धुआं और बादल इसका एक उदाहरण है। ठोस है गैस, ठोस और गैस को जब मिलाइएगा ये भी एरोसोल हो जाएगा, इसका प्रकार है एरोसोल, ये धुआं इसका उदाहरण है। गैस और द्रव को जब आप मिलाइएगा तो फोम बनेगा, शेविंग क्रीम इसका एक उदाहरण है। द्रव और द्रव को जब मिलाइएगा तो इमल्सन बनेगा, दूध, चेहरा क्रीम, चेहरा पर लगाने वाला क्रीम और दरवाजे का पेंट इसी का उदाहरण है। ठोस और द्रव को जब मिलाइएगा तो सोल बनेगा, बालू और गोबर इसका उदाहरण है। गैस और ठोस को मिलाइएगा तो फोम या झाग बनेगा, ठोस को मिलाइएगा तो जेल बनेगा, जेली या पनीर इसका एक उदाहरण है। ठोस को मिलाइएगा ठोस सोल, रंगीन दूध, रंगीन रत्न, कांच का, ये सब इसी का उदाहरण है। ठीक है, ये हो गया आपको कोलाइडी विलयन के सामान्य कुछ उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए गैस में, गैस कोलाइडी विलयन नहीं है, याद रखिएगा गैस जो है सिर्फ गैस वो कोलाइडी विलयन नहीं है, यह क्या है, एक मिश्रण है। विलयन की सांद्रता, विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा, विलयन का द्रव्यमान को जब आप प्रतिशत में निकालिएगा तो विलयन का द्रव्यमान बटे विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुना 100, ये मैथ का फॉर्मूला है। मैथ में भी परसेंटेज निकालने के लिए जिसका परसेंटेज निकालना होता है उसका भाग, यानी कि सिर्फ इसमें याद रखना है विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुना 100। और जब आपको विलयन के आयतन का प्रतिशत निकालना होता है तो विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुना 100, मैथ का फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, याद होगा शुरू में ही हम बता दिए थे कि मिश्रण को पृथक करने का तरीका, तो यहाँ पर मिश्रण को पृथक करने का तरीका दिया गया है। वाष्पीकरण पहला तरीका है, वाष्पीकरण के द्वारा आप विलयन को किस प्रकार पृथक, जैसे कि आपको उदाहरण के लिए बता देते हैं, नमक और पानी का मिश्रण आप बनाएं तो उसको आप कुछ देर तक धूप में छोड़ दीजिएगा तो जल जो है वाष्पित हो जाएगा और अवशेष के रूप में आपका नमक बच जाएगा, तो ये हो गया वाष्पीकरण का उदाहरण। इसका देखिए मूल उद्देश्य है, यह मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थ में से एक पदार्थ का वाष्पीकरण हो जाता है, तो ये हो गया वाष्पीकरण का उदाहरण, किस प्रकार वाष्पीकरण विधि द्वारा आप इसको अलग कीजिएगा। ठीक है,
उसके बाद दूसरा है अपकेंद्रीकरण, मूल उद्देश्य जब किसी पदार्थ को तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कण नीचे की तरफ दबाव डालने लगता है। जैसे कि मान लीजिए आप बालू और जल को मिला दीजिए, आप उसको हिलाते हैं तो वो गति करता है, फिर कुछ देर बाद छोड़ने के बाद उसका जो है कण जो है बालू का कण जो है वो नीचे की ओर अपकेंद्रित हो जाता है, नीचे की ओर जाके बैठ जाता है। तो इस विधि को अपकेंद्रीकरण विधि कहते हैं। इस केंद्र के द्वारा भी जो है आप पृथक्करण कर सकते हैं, यानी कि दो मिश्रण को अलग कर सकते हैं। पृथक्करण की दो अघुलनशील द्रव जो है को आसानी से पृथक्करण कीप द्वारा अलग कर सकते हैं। इसका उदाहरण जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, पृथक्करण कीप में स्टॉप कॉर्क खोलने से पानी का पानी दूसरे बीकर में इकट्ठा हो सकता है तथा दूसरे बीकर में बचा तेल इकट्ठा कर सकता है। अनुप्रयोग, पानी से तेल का पृथक्करण करना। जब आप पानी से तेल को आप पृथक कीजिएगा तो जैसे देखिए यहाँ पर एक उदाहरण द्वारा दिया गया, पानी से तेल का पृथक करना इस विधि का एक उदाहरण है। यहाँ पर देखिए गोल कीप है, सरसों का तेल इस पर लगा हुआ है, यहाँ पर क्या है कॉर्क, स्टॉक कॉर्क है, आ नीचे जल है। देखिए जल और पानी को जब आप मिलाते हैं तो तेल जो है, तेल और पानी को जब आप मिलाते हैं तो तेल ऊपर की ओर बहते रह जाता है। तो क्या किए, एक छेद से नीचे से जो है जल को निकाल लिए और तेल ऊपर की ओर बच गया। तो इसी विधि को कहते हैं हम लोग, कौन सा विधि, पृथक्करण कीप विधि, कीप के द्वारा इसको अलग कर रहे हैं। ठीक है, देखिए दूसरा है उत्पादन विधि। इसमें क्या होता है, ऊष्मा की मात्रा को बढ़ा के या घटा के आप जो है मिश्रण को अलग कर सकते हैं। जैसे देखिए उत्पादन विधि, दो या दो दो पदार्थों के बीच एक पदार्थ उत्पादित हो जाता है, एक पदार्थ जो है उससे अलग हो जाता है, जबकि दूसरा पदार्थ वहीं बचा रह जाता है। इसका उदाहरण दिया हुआ है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। इसका सूत्र भी आप याद रखिएगा, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है। तथा खाने का नमक के मिश्रण को जब आप मिलाते हैं तो इसको आसानी से अलग, इसके मिश्रण को आसानी से अलग किया जा सकता है। मिश्रण को गर्म करने पर अमोनियम क्लोराइड सीधे ठोस से गैस बन जाता है, जबकि नमक शेष रह जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, NH4Cl उदाहरण है। उदाहरण को याद रखिएगा तो आसानी से आप इसको अपने शब्दों में डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर और भी अनुप्रयोग दिया हुआ है, कपूर है, नेफ्थलीन की गोलियाँ हैं, एंथ्रासीन है, अमोनियम क्लोराइड के उत्पादन द्वारा अलग किया जा सकता है। इनकी इस पर कपूर को किसी तत्व के साथ मिश्रण करते हैं या कपूर को नमक के साथ मिला दिए तो कपूर को जब आप गर्म कीजिएगा तो वो गैस में बदल जाएगा, उत्पादित हो जाएगा। द्रव में बिना बदले डायरेक्ट गैस में बदल जाए तो उत्पादन कहलाता है, तो वह उत्पादित हो जाएगा और उसके बाद अवशेष रूप में नमक बच जाएगा। आगे है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या है, किसी किसी मिश्रण में रंगीन यौगिक रंजित कणों को पृथक कर सकते हैं। किसी सोखने वाले फीटर पेपर की सहायता से जब पानी के कण कण के कण ऊपर की ओर दो अलग अलग रंग के साथ जाते हैं तो क्रोमेटोग्राफी पेपर द्वारा दोनों पृथक हो जाते हैं, क्योंकि दोनों रंग अलग अलग गति से गति करते हैं। यानी कि उसको जब आप मिलाइएगा तो दोनों रंग अलग अलग, जैसे स्पंज देखे हैं ना, स्पंज उससे हो जाता है। ठीक है, जैसे कागज़ की पट्टी है, यहाँ पर दिया हुआ है स्याही का निशान है। ठीक है, देखिए कांच की छड़ है, जार है, जार में दो कलर का, एक तो यहाँ पर जल और स्याही का मिश्रण है। इसमें जैसे ही आप पेपर डालेंगे तो स्याही करे क्या करेगा, पेपर में जाके लग जाएगा और वो अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अनुप्रयोग, जैसे रंग या फिर डाइकर को पृथक करने के लिए किया जाता है, क्लोरो के पिगमेंट को पृथक करने के लिए किया जाता है, खून के ड्रग पृथककरण के लिए, खून से ड्रग के पृथककरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है आसवन विधि। दो संघटकों के बीच एक का क्वथनांक दूसरे के क्वथनांक से कम होता है, दूसरे से कम होता है, एक का क्वथनांक जो है दूसरे के क्वथनांक से कम होता है। यह विधि दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए किया जाता है। इस पदार्थ इस विधि का उपयोग आसवन विधि है, इसको याद रखिएगा। आसवन विधि द्वारा जो है दो या दो से अधिक पदार्थों के, इसमें एक का क्या हो जाएगा, क्वथनांक कम होगा, तो इस विधि का प्रयोग करके क्या होता है, जैसे कि एक उदाहरण है, जब चीनी और एसीटोन के मिश्रण को गर्म करते हैं तो क्या होता है, यह गर्म होकर वाष्पित रूप में ट्यूब में चला जाता है। तो वो क्या होता है, वाष्पित होकर के एक ट्यूब में चला जाता है। ट्यूब की सहायता से आप इसको
अलग कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक प्रयोग द्वारा आसवन विधि में, यहाँ पर आपका जो है एसीटोन व जल का मिश्रण है, इसको जब गर्म किया गया तो जल क्या हो गया, वाष्पित हो गया, और ये एक नली द्वारा आके ग्लास में जमा हो गया, और इस जार में जो है ये इसमें आपका जो है एसीटोन बच गया। ठीक है, चलिए ट्यूब में चला जाता है, इस प्रकार एसीटोन बीकर में एकत्रित होता है। ठीक है, पानी में जो है वो बच जाता है। ठीक है, आगे इसमें याद रखिएगा, ये नोट है, अगर दो संघटकों से ज्यादा संघटन एक ही द्रव में उपस्थित हो तब हम प्रभाजी आसवन का इस्तेमाल करते हैं ताकि सारे संघटन अलग अलग हो जाए। उदाहरण हवा तथा पेट्रोलियम आदि। पेट्रोलियम को पैरोफीन मोम में पृथक किया जाता है, तेल ल्यूब्रिकेट डीजल किरोसिन पेट्रोल तथा पेट्रोल गैस को इस विधि का पृथक किया जाता है। हवा से गैस प्राप्त कर सकते हैं, हवा को भी इस विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं, यानी कि ये आसवन विधि द्वारा जो है हवा को भी पृथक किया जा सकता है। प्रभाजी आसवन विधि का अनुप्रयोग जो है इसी को प्रभाजी आसवन विधि बोलिए या आसवन विधि बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। आगे है क्रिस्टलीकरण। इसका मूल सिद्धांत है किसी मिश्रण के अशुद्धियों को दूर करने के लिए पहले किसी उपयुक्त विलयन में घोलना को क्रिस्टलीकरण द्वारा एक संघटक को पृथक करना। उदाहरण के लिए कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को अशुद्ध पहले सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलते हैं और फिर गर्म करके विलयन को पृथक किया जाता है। जो विलयन बना था उसे पूरी रात रख कर छोड़ दिया जाता है, अतः केवल शुद्ध कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनते हैं जबकि अशुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल में ही रहते हैं। इस विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लिया जाता है और शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त हो जाता है। यह हो गया क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण में जब आप कोई, जैसे इसका छोटा सा उदाहरण बताते हैं, जल और बालू के मिश्रण को आप मिला दिए और उसको कुछ देर तक छोड़ देंगे और उसको छान लेंगे तो क्या हो जाएगा, जल अलग हो जाएगा और बालू का कण जो है वो वहीं रह जाएगा। ठीक है, उसको आप आसानी से अलग कर सकते हैं। ठीक है, आगे है तत्वों का रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए इसमें देख लेंगे, आप शुरू में ही देखे थे कि तत्व में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक तो भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन यह उत्क्रमणीय होता है, भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, बहुत कम मात्रा में ऊष्मीय अवस्था प्रकाश ऊर्जा ली या निकाली जाती है। जब भौतिक परिवर्तन होता है इसमें बहुत कम मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा ली जाती है और पदार्थ निकाली जाती है, ऊर्जा निकाल ली जाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, इसको याद रखिएगा, बर्फ का पिघलना किस परिवर्तन का उदाहरण है, तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन यह अनुकरणीय होता है, नए पदार्थ बनता है रासायनिक परिवर्तन के द्वारा, दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से जो होता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो परिवर्तन होता है उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसके द्वारा नया पदार्थ बनता है। एक रासायनिक परिवर्तन में एक बड़ी मात्रा में ऊष्मीय अथवा प्रकाश ऊर्जा ली या निकाली जाती है, उदाहरण के लिए लकड़ी का जलना। तो इस अभ्यास में महत्वपूर्ण तथ्य और भी है, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए आज इतना ही रहने देते हैं, फिर महत्वपूर्ण तथ्य के लिए एक अलग से एक और इसका पार्ट टू बना देंगे। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, इसको याद कीजिएगा और ज़्यादा कठिन सोच के नहीं, इजी वे में इसको याद करना है और कोशिश करना है कि हर चीज़ से रिलेटेड कुछ उदाहरण को आप लोग ध्यान में रखें, क्योंकि एग्जाम्पल आप ध्यान में रखते हैं तो उसका एक फेस आपके माइंड में बन जाता है और आपसे जब कभी पूछा जाता है तो आप आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का एक नया वीडियो हम बना देंगे। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। अंत में मैं फिर एक बार आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल लेट्स इजी टू लर्न को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।